धीरे धीरे हरियाणा प्रदेश हर प्रकार के अपराध की राजधानी बनता जा रहा है। प्रदेश जो शांति भाईचारे का प्रतीक था प्रदेश। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े थे जिसमें सबसे ज्यादा मर्डर रेट, सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन आज हरियाणा के अंदर आया है। जो ये अनिल विज पता नहीं बातें बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बहुत बड़े बड़े वो ट्वीट करता है, उसमें हिम्मत है तो कार्रवाई करे। कि ये जो आज के अखबारों में जो ये बात आई है, ये एक ऐसा अपराध जिसने, मैं समझता हूँ कि कोई भी देश का नागरिक है उसकी उसको अंदर से हिला के रख दिया हो। ऐसा अपराध, ऐसे अपराध को मैं समझता हूँ कि ये सरकार, कानून व्यवस्था इसमें इतनी चौपट हो गई है कि हरियाणा में ऐसे ऐसे अपराध देखने को मिले हैं। सरकार का कर्तव्य है कि सरकार तुरंत कठोरतम, कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जो भी इसमें दोषी हैं, जो अपराधी हैं, किसी को बख्शा ना जाए। और जो सरकार हरियाणा प्रदेश जो आज जिसमें कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और धीरे धीरे हरियाणा प्रदेश हर प्रकार के अपराध की राजधानी बनता जा रहा है, ये प्रदेश जो शांति भाईचारे का प्रतीक था प्रदेश, जो खुशहाली का प्रदेश माना जाता था, आज इस सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बाद उस प्रदेश की ये स्थिति हो गई है। आज इस सरकार को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। हुड्डा जी, मुकदमा राजस्थान में दर्ज हुआ है, अपहरण राजस्थान से हुआ है और उनको जलाकर जो है भिवानी में मारा गया, क्या राजस्थान सरकार से क्या डिमांड करेंगे और यहाँ की सरकार से क्या कहेंगे? ये तो दोनों पुलिसों की, चाहे हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस, इसमें जिम्मेदारी दोनों सरकार और प्रशासन की है। इसमें जिम्मेदारी तय हो, इसमें ना सिर्फ जो दोषी हैं उनकी, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, लेकिन जो अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो इसमें कोई पुलिस के अधिकारियों की भी बात आ रही है, जिन पुलिस के अधिकारियों का ये इस बात की जांच की जाए कि कौन पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी तरफ से ढिलाई बरती गई या जिनकी तरफ से कोई और अगर किसी रूप में कोई उनकी कोई शामिल पाया गया, ये सारी बात जांच के विषय के बाद केवल अपराधियों के खिलाफ, जो डायरेक्ट अपराधी हैं उनके खिलाफ हम केवल कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन के अधिकारी अगर कहीं पे किसी का कोई कसूर पाया जाता है, किसी की ढिलाई पाई जाती है, वहाँ भी जिम्मेदारी तय करके सरकार कार्रवाई करे। लेकिन ये सरकार एक ऐसी बैठी है हरियाणा के अंदर सरकार, जिससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आज यही कारण है कि आज हरियाणा कानून व्यवस्था की विफलता में देश में नंबर 1 पे। अभी पीछे गृह मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े थे जिसमें सबसे ज़्यादा मर्डर रेट, सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन आज हरियाणा के अंदर आया है। तो ये नृशंस ये हत्याएं हैं और ये हरियाणा तो इस तरह के लोगों की शरण स्थली बन चुकी है और इसी वजह कानून व्यवस्था में हरियाणा देश में सबसे नीचे है। कानून व्यवस्था में सबसे नीचे है, बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। तो इससे पता लगता है कि भाई जो ये अनिल विज पता नहीं बातें बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बहुत बड़े बड़े वो ट्वीट करता है, उसमें हिम्मत है तो कार्रवाई करे। और आज जो चाहे वो महिला उत्पीड़न का है और जो ये मामला जो अभी आप बता रहे हो, इससे एकदम सबके मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा, इसी सोच के खिलाफ तो राहुल जी ने यात्रा की और जगह जगह इसी की सोच के खिलाफ वो मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। ये एक जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत उनको अपहरण करके उनको हत्या की गई है। ये नृशंस हत्या है, सीधी हत्या है। और राजस्थान सरकार से हम भी मांग करते हैं और हालांकि वो हमें उम्मीद है कि वो इस पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और वो पूरी तरह से इसकी जांच करें
और जो भी इसमें जो भी हत्यारे हैं उनमें से कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए।